गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। टैक्सेशन लॉ की आपकी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसकी आज ये आपकी पहली वीडियो होगी, ठीक है? फर्स्ट वीडियो है आपकी ये। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को लाइक किया करें, ठीक है? इसी के साथ ही मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा, इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर देना इसको। आपकी LLB थर्ड ईयर की वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी, ठीक है? एग्जाम के बाद से वो वीडियो आपको अपडेट होती रहेंगी। इसके बाद इसके साथ ही आपके जुडिशियल जो एग्जाम होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हेल्पफुल मटेरियल होगा वो इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय आयकर विधि के अंतर्गत, जो भारतीय आयकर विधि है उसके अंतर्गत कर देयता की कसौटी आवास है ना कि नागरिकता, कंपनी और फर्मों के अनुरूप हमें बताना है कि जो कर देयता की कसौटी है वो आवास के आधार पर ना होकर आवास के आधार पर है, नागरिकता के आधार पर नहीं, ठीक है? तो इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन के, मुख्य बिंदु क्या है। तो पहले इसमें परिचय, इसके बाद व्यक्ति विशेष की निवास स्थिति के संदर्भ में देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे निवासी क्या है, असाधारण निवासी क्या है या अनिवासी क्या है, ठीक है? और इसके साथ ही अगला पॉइंट जो देखेंगे वो देखेंगे हिंदू अविभक्त, ठीक है, जो डिवाइड नहीं हुआ है, अविभक्त कुटुंब एवं फर्मों की निवास जो प्रायस्थिति है उसके बारे में, इसमें भी हम निवासी, असाधारण निवासी, असाधारण निवासी और निवासी के बारे में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अपना कंपनी का निवासी प्रायस्थिति, यानी कंपनी के संदर्भ में, जिसमें कंपनी का निवासी, एक निवासी कंपनी क्या है या अनिवासी कंपनी क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम अपना कर प्रभार, यानी टैक्स चार्ज जो लगते हैं वो किस अनुरूप लगते हैं, निवासी के संदर्भ में, असाधारण निवासी के संदर्भ में और अनिवासी के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं परिचय। नंबर एक परिचय, तो इसमें मेनली एक केस है प्रमुख यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज आजादी बचाओ आंदोलन। इस केस में यही यही प्रतिपादित किया था कि कर देयता की जो कसौटी है वो आवास है, नागरिकता नहीं है, यानी प्रायस्थिति के आधार पर ही, स्थिति के आधार पर ही कर को लगाया जाता है, ठीक है? और समस्त आवास जो स्थिति है, आवास स्थिति है, आवास मतलब जब कोई भी व्यक्ति कितने समय तक रह रहा है भारत में, उस स्थिति के आधार पर यहाँ पर तीन दाताओं यानी कर देने वालों की, ठीक है, तीन दाताओं की श्रेणियां बताई गई हैं। वो उसमें पहला है आपका अनिवासी, निवास यानी आवास के आधार पर जो लोग आवास करते हैं, उस आवास के आधार पर रहने की स्थिति के आधार पर पहला बताया है निवासी, दूसरा है आपका असाधारण निवासी और तीसरा है अनिवासी। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब करदाताओं की निवास स्थिति को निर्धारण गत वर्ष, यानी गत वर्ष जो जिस वर्ष में कोई भी प्रावधान कर का प्रावधान जो है कर का वो देखा जा रहा है उस वर्ष के संदर्भ में, ठीक है, इन गत वर्ष में इनके भारत में रहने के दिनों की संख्या, अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार के प्रबंधन एवं नियंत्रण पर निर्भर करता है। एक तो उसके दिनों की संख्या, अगर वो भारत में रह रहा है तो अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार प्रबंधन एवं नियंत्रण पर किस प्रकार की निर्भरता है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं, उसमें भी आपकी संख्या काउंट होती है, ठीक है? दिनों के आधार पर भारत का निवासी भी अनिवासी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेशक कोई व्यक्ति भारत का निवासी ही क्यों ना हो, लेकिन भारत वो कितने दिनों तक निवास कर रहा है, इस निवास के आधार पर भारत का निवासी भी अनिवासी हो सकता है, ठीक है? यही कारण है कि, और यही मेन रीजन है कि कर देयता की जो कसौटी है वो आवास ना होकर, आवास होकर के नागरिकता नहीं है, यानी कर देयता की कसौटी आवास है। क्योंकि अगर भारत का बेशक भले कोई व्यक्ति निवासी हो, भारतीय हो, अगर उसकी जो आवास के दिन है या निवास के दिन है भारत में अनुरूप नहीं है तो वो भी अनिवासी घोषित हो सकता है कर देयता के संदर्भ में। अब दूसरा पॉइंट अपना व्यक्ति विशेष की स्थिति, यानी व्यक्ति विशेष की स्थिति के आधार पर कर के संदर्भ हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है आपका व्यक्ति विशेष की स्थिति के संदर्भ में, और ये स्थितियां जो है वो धारा 6(1) के अनुरूप बताई गई हैं, और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुरूप इनका प्रावधान है। तो ये पहली जो स्थिति है व्यक्ति विशेष की, ये 6 के अंतर्गत है, लेकिन पहली व्यक्ति विशेष की जो स्थिति है वो आपकी धारा 6 उपधारा 1 के अंतर्गत है। इसमें निवासी को क्या बताया गया, निवासी के लिए क्या जरूरी है, यानी वह व्यक्ति करदाता जो गत वर्ष में, यानी वह व्यक्ति करदाता होगा जो गत वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, या अगर ये पॉइंट नहीं, निवासी के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है, तो या तो 180 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, या
उस वर्ष के पहले जो 4 वर्ष हैं जिस वर्ष के संदर्भ में देखा जा रहा है, तो उस वर्ष के जो पहले 4 वर्ष हैं उन 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक रहा हो, और जो वर्ष के संदर्भ में देख रहे हैं उस विशेष वर्ष में 60 दिन रहा हो या इससे अधिक, 60 दिन या इससे अधिक, यानी इन दोनों पॉइंटों में से कोई एक होना चाहिए। अगर हम निवासी किसी निवास के संदर्भ में किसी का डिस्कस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है कि नहीं है कर देने के संदर्भ में, तो पहली बात तो यह है या तो वो 100 दिन, 180 या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो, 180 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, नहीं तो उस जो वर्ष का है उस वर्ष से पहले जो 4 वर्ष थे उन 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक रहा हो, 65 दिन या उससे अधिक, या उस वर्ष में जिसमें गणना की संदर्भ देखे जा रहे हैं, गणना की जा रही है, उस गत वर्ष में 60 दिन तो रहा ही हो। यानी या तो ये क्लियर हो जाए या ये क्लियर हो जाए, दोनों में से कोई भी एक बिंदु क्लियर हो जाता है तो अनिवासी के संदर्भ में आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ अन्य शर्त भी है निवासी होने के लिए, अनिवासी नहीं सॉरी निवासी, निवासी होने के लिए अन्य शर्त क्या है। अगली शर्त ये है कि वो जो व्यक्ति है गत वर्ष से पूर्व 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो, यानी गत जो पिछली जो 10 वर्ष बीत गई है गत वर्ष के संदर्भ में, इस पॉइंट से जो पहली 10 वर्ष हैं उन 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष वो भारत में रहा हो, ठीक है, एक पॉइंट ये। अगला ये कि गत वर्ष से पूर्व जो 7 वर्ष बीते हैं, ये तो 10 वर्ष, लेकिन इस गत वर्ष से पूर्व जो 7 वर्ष बीते हैं उन 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन या इससे अधिक भारत में वो रहा हो। तो किसी व्यक्ति को निवासी होने के लिए ये 3 पॉइंट विशेष रूप से आवश्यक हैं, या दोनों में से एक कोई भी 180 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, या उस वर्ष विशेष से पहले जो 4 वर्ष थे उनमें से 365 दिन और 65 दिन के साथ में उस कम से कम 60 दिन या उससे अधिक रहा हो। तो दोनों पॉइंट से कोई एक ये पॉइंट कम हो जाए निवासी के लिए, या फिर जो गत वर्ष जो है उस गत वर्ष से 10 वर्ष पिछले पूर्व के जो पहले 10 वर्ष थे उनमें से कम 2 वर्ष रहा हो। और उसी के साथ में अगली शर्त यह है कि पिछले जो गत वर्ष है उससे पिछले जो 7 वर्ष हैं उनमें कम से कम 730 दिन वो भारत का निवासी हो, तब वो निवासी कहलाएगा, ठीक है। और ये आपके मेन पॉइंट्स ये हैं कि ये निवासी होने के लिए कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से भारत का नागरिक हो अगर वो, लेकिन भले वो विदेश में रोजगार कर रहा हो, उसने भारत छोड़ दिया हो, तो इस प्रकार की शर्तों को पूरा कर देता है तो नागरिक यानी सॉरी निवासी कहलाएगा, ठीक है। चाहे वो अगर वो भारत मूल का निवासी हो, अगर भारतीय ना हो लेकिन भारत मूल का निवासी हो, ठीक है, यानी उसका कनेक्शन भारत से हो, भारत मूल का निवासी हो जो विदेश में रह रहा हो, तो वो भी इन शर्तों को अगर पूरा करता है तो निवासी के संदर्भ में आ जाएगा। तो ये था व्यक्ति विशेष करदाता के व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति करदाता होने के लिए निवासी होने के लिए क्या शर्तें, तो निवासी की शर्तें ये आवश्यक है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं अपना, जो दूसरा जो पॉइंट है वो है असाधारण निवासी, यानी असाधारण निवासी कौन होगा। असाधारण निवासी के रूप में जो निवासी के संदर्भ में हमने देखा है उस निवासी की प्रथम शर्तों को पूरा करता है, प्रथम शर्त को पूरा करता है, यानी हमने जो दो प्रथम प्रथम शर्त जिनमें से कोई एक हमें देखनी थी, या तो 182 उससे अधिक दिन रहा हो, ठीक है, 182 या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो, और दूसरी शर्त देखी थी या पिछले जो 4 वर्ष बीत गए हैं उनमें से 365 या 65 या उससे अधिक दिन रहा हो, और साथ में उस गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक रहा हो। यानी इन दोनों शर्तों में से एक शर्त पूरी हो जाती है। असाधारण निवासी के लिए क्या है कि जो निवासी की प्रथम शर्तों को पूरा कर देता है, पहली ये जो शर्त मैंने बताई थी उनको पूरा कर देता है, और लेकिन अन्य शर्तों जो हैं वह असाधारण निवासी लेकिन अन्य शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो यानी निवासी है, निवासी की शर्तें पूरी कर रहा है किंतु साधारणतः निवासी नहीं है, यानी निवासी होने की पहली शर्त पूरी कर रहा है लेकिन साधारणतः वो निवासी नहीं है, तो वो आपका असाधारण निवासी कहलाएगा। नॉर्मल सी बात है, इजीली समझो, जो निवासी की पहली शर्त को पूरा कर दे यानी दोनों में से कोई एक शर्त को पूरा कर दे बाकी शर्तों को पूरा ना कर पाए तब आपका वो असाधारण निवासी कहलाएगा। नॉर्मली देखें तो यानी जो निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं है क्योंकि बाकी शर्तों को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तब वो आपका असाधारण निवासी कहलाएगा। अनिवासी कौन कहलाएगा, तो व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति विशेष जो ना तो निवासी है ना तो निवासी है ना, जो ना तो निवासी है ना ही साधारणतः निवासी, साधारण निवासी है,
यानी जो ना तो निवासी है और ना ही साधारणतया निवासी है। साधारणतया निवासी कैसे, यानी जो पहली जो शर्तें थी निवासी की, उसकी अगली दो शर्त थी उनको भी पूरा नहीं कर रहा है, और ना ही वो निवासी है, यानी निवासी की तीनों शर्तों को भी पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला ये है जो निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं है, यानी आपका वो साधारण निवासी नहीं है, असाधारण निवासी नहीं है। कौन नहीं है? असाधारण निवासी नहीं है, असाधारण निवासी नहीं है, यानी जो निवासी निवासी की पहली शर्तों को पूरी कर रहा है किंतु बाकी जो दो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर रहा, यानी साधारणतः निवासी नहीं है, तब वो व्यक्ति अनिवासी के रेंज में आ जाएगा, यानी अनिवासी माना जाएगा, जो ना तो निवासी हो ना ही साधारणतः निवासी हो। ठीक है, यानी निवासी किंतु साधारणतः निवासी ना हो। कहने का तात्पर्य यह है, यानी जो निवासी ही, यानी जो निवासी नहीं और चाहे वह असाधारण निवासी हो, यानी निवासी भी नहीं है चाहे वह असाधारण निवासी हो, या असाधारण निवासी निवासी के संदर्भ में शर्तें पूरी कर रहा हो, तो वह अनिवासी माना जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो है अपना, थर्ड पॉइंट है हिंदू अविभक्त कुटुंब एवं फर्मों की निवासी प्रायःस्थिति के संदर्भ में ये धारा 6 उपधारा 2 के अनुरूप है। निवासी किसे माना गया है? निवासी माना गया है प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः भारत में वो कर रहा हो। कुटुंब अविभक्त यानी जिसको डिवाइड, हिंदू उसके अंतर्गत परिवार कुटुंब के अंतर्गत वो डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, विभक्त नहीं हुआ है, अविभक्त। हिंदू अविभक्त कुटुंब एवं फर्मों की निवासी संदर्भ प्रायःस्थिति के बारे में देखते हैं। निवासी कौन कहलाएगा? जो किसी प्रकार का प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः भारत में हो रहा हो, किसी के द्वारा प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः भारत में हो रहा हो। दूसरी शर्त यह है, इसके लिए एक केस भी है, आयकर अधिकारी वर्सेज रजा टेक्सटाइल केस है। इस केस में यही प्रतिपादित किया गया था कि हिंदू अव्यक्त कुटुंब एवं फर्मों की निवासी प्रायःस्थिति के संदर्भ में किसी व्यक्ति को निवासी तब माना जाएगा जब उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः भारत में हो रहा हो। ठीक है, अगली शर्त यह है इसकी कि गत वर्ष से पूर्व, जो गत वर्ष है उससे पूर्व 10 वर्षों में से 2 वर्ष कर्ता के रूप में भारत में निवासी रहा हो, करदाता के रूप में। वो कर्ता जो है, जो कुटुंब का या फर्म का जो कर्ता है, वो पिछले 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत रहा हो और वह एक निवासी हो करदाता के रूप में। अगला पॉइंट यह है कि गत वर्ष में जो 7 वर्ष बीते हैं उससे पहले पूर्व के 7 वर्ष में से कम 730 दिन या इससे अधिक वो भारत में रहा हो, यानी इन तीन शर्तों को जो पूरा कर देगा वो कुटुंब अव्यक्त कुटुंब, हिंदू अव्यक्त कुटुंब और फर्म के संदर्भ में निवासी माना जाएगा। अब इसी के संदर्भ में अनिवासी किसे कहा गया है? यानी अनिवासी इसे कहा गया है जो निवासी की केवल प्रथम शर्त को तो पूरा करता है, अन्य शर्तों को पूरा नहीं करता है। यानी वो निवासी तो है किंतु साधारणतः निवासी नहीं है। क्या है कि वो निवासी की केवल प्रथम शर्त को पूरा कर रहा है, केवल प्रबंध और उसका नियंत्रण पूर्णतया तो भारत में है, लेकिन ये बाकी दो शर्तों को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तब वो असाधारण निवासी कहलाएगा। यानी निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं, तब वो असाधारण निवासी कहलाएगा। अगला क्या है, निवासी अनिवासी कौन कहलाएगा? इस संदर्भ में हिंदू अविभक्त कुटुंब और फर्मों के संदर्भ में अनिवासी कौन कहलाएगा? यानी कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतः भारत से बाहर रहा हो, प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतः और भारत से बाहर ही रहा हो उसका, तो वो अनिवासी के संदर्भ में आ जाएगा। अपना कंपनी की निवासी प्रायःस्थिति धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत पहला देखेंगे, निवासी कौन माना गया है? कंपनी की स्थिति के संदर्भ में निवासी किसे माना गया है? यानी वो भारतीय कंपनी हो और गत वर्ष में नियंत्रण एवं प्रबंध जो है पूर्णतः भारत में हो, तब उसको निवासी कंपनी माना जाएगा। अगला यह है, अनिवासी कंपनी किसे माना जाएगा? यानी भारतीय कंपनी वो ना हो और गत वर्ष में नियंत्रण एवं प्रबंध उसका पूर्णतः भारत से बाहर रहा हो, तब वो कंपनी आपकी अनिवासी कंपनी के संदर्भ में आ जाएगी। लेकिन इससे इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप समझ लो, कंपनी के लिए केंद्रीय प्रबंध एवं यहाँ पर जो हम नियंत्रण एवं प्रबंध की बात कर रहे हैं उसका आशय केंद्रीय प्रबंध एवं नियंत्रण से है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रबंध एवं नियंत्रण की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, तो केंद्रीय प्रबंध एवं नियंत्रण की स्थिति महत्वपूर्ण होती है।
यही जानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रबंध और नियंत्रण कहाँ से हो रहा है। अगर वो भारत से हो रहा है तो भारत के निवासी संदर्भ में देखा जाएगा। व्यवसाय भले पूर्णतः भारत से बाहर किया जा रहा हो, जरूरी है कि प्रबंध एवं नियंत्रण निवासी होने के लिए भारत में हो। अब अगर बेशक व्यवसाय भले पूर्णतः बाहर से किया जा रहा हो, लेकिन हम एक चीज ये कह सकते हैं कि ब्रेन कहाँ है, ठीक है, मानसिक रूप से वो कंपनी कहाँ है, उसको हैंडल कहाँ से किया जा रहा है, उसका केंद्रीय प्रबंध एवं नियंत्रण अगर भारत में है तो भारत की निवासी कंपनी मान ली जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है अपना, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कर प्रभार, ठीक है। टैक्स चार्जेज किस प्रकार से हैं उसको देख लेते हैं, धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है। तो निवासी है, निवासी के संदर्भ में कर प्रभार देख लेते हैं, कब लगेगा उस पर माना जाएगा, यानी गत वर्ष में भारत में प्राप्त या समझी जाने वाली आय पर, यानी जो निवासी है उसने गत वर्ष में भारत से प्राप्त की हो आय या प्राप्त करने योग्य समझी जाने वाली आय पर कर प्रभाव या टैक्स चार्जेज लगेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि गत वर्ष में भारत में उपार्जित हुई या समझी जाने वाली आय, यानी जिसकी आशा हो जो अन्य स्रोतों से आ सके ऐसी आय, ठीक है, एक तरह से ब्याज के रूप में हो या अन्य कोई भी स्रोतों के रूप में आने की जिसकी आशा हो, उपार्जित करने की संभावना हो या समझे जाने वाली ऐसी आय पर लगा कर, ठीक है, वो कर लगेगा। अगला है आपका गत वर्ष में भारत से बाहर, गत वर्ष में निवासी द्वारा भारत से बाहर उपार्जित अथवा उत्पन्न आय जिसकी संभावना हो, यानी जितने स्रोतों से इसकी आय आने की कि इन इन स्रोतों से इसकी आय आ सकती है, अगर वो आ जाए तो उस पर लगेगा। और उत्पन्न जितनी भी उत्पन्न आय हो सकती है भारत से बाहर, उस पर अनिवासी पर सॉरी निवासी पर कर लगेगा। दूसरा कर प्रभार के संदर्भ में असाधारण निवासी पर, तो गत वर्ष में उसकी ओर से भारत में असाधारण निवासी हो बेशक, लेकिन भारत में उससे प्राप्त हुई या समझी जाने वाली आय पर टैक्स चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे। अगला है गत वर्ष में या उसकी ओर उसके उसके द्वारा भारत में उपार्जित या समझी जाने वाली आय पर कर प्रभार लग जाएंगे असाधारण निवासी द्वारा। अगला है करदाता को भारत से बाहर या भारत में स्थापित किसी पेशे या व्यवसाय से उपार्जित आय पर भी कर प्रभाव लगेगा। थर्ड पॉइंट है अपना अनिवासी, तो अनिवासी पर यानी उस गत वर्ष में भारत से प्राप्त या समझी जाने वाली आय पर अनिवासी पर भी कर प्रभाव लगेगा, कर प्रभार, ठीक है, टैक्स चार्जेज। अगला है उस गत वर्ष में भारत में उपार्जित या समझी जाने वाली आय पर भी टैक्स प्रभार लगेगा। तो ये टैक्स प्रभार के संदर्भ में था, टैक्स चार्जेज के संबंध में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।